जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को गुजरात ले चलेंगे द स्टैचू ऑफ यूनिटी घुमाने, एक बहुत बड़ी नदी के ब्रिज पर द स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। इस स्टैचू की लंबाई आप सभी को तो ज्ञात ही है, अभी तक की सबसे बड़ी स्टैचू में से एक है। ये देखिए, यहाँ पर विशालकाय पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, बहुत अच्छा गार्डन भी बनाया गया है नदी के चारों ओर, और पहाड़ी का इलाका है जैसे कि आप सभी को पता है। इस पहाड़ी इलाके में बड़े बड़े सैलानी आते हैं, और बहुत सारे सैलानियों की वजह से स्टैचू ऑफ यूनिटी का दिन प्रतिदिन देश विदेशों में बहुत ही बड़े प्रारूप में प्रचलन चल रहा है इसे देखने का, जहाँ से विदेशों से लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने आते हैं। बहुत ही कम समय में स्टैचू ऑफ यूनिटी ने बहुत ही अपना जितना लागत इस स्टैचू का हुआ होगा उसको कवर अप करके खुद के लिए एक बड़ा टूरिज्म दिया है, और गुजरात को पूरे विश्व के धरोहर, विश्व के पटल के सामने बड़ी धरोहर के रूप में लाया है। इसका निर्माण जब किया गया है तो बहुत ही ज़्यादा एल्युमिनियम का यूज किया गया है, तांबे और एल्युमिनियम का, और इस स्टैचू के निर्माण में बहुत सारे कारीगर इंजीनियर लगे जो कि दिन रात की मेहनत करके इस स्टैचू को निर्माण शुरू किए। ये स्टैचू विश्व के 275 280 देशों में, 273 देशों में जितने लिए भी हैं निकलेगा, उसमें सबसे बड़े स्टैचू में इसका नाम आता है, जो कि भारत को एक नंबर की पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारत अभी लगातार अपने कई इलाकों हिस्सों में बहुत सारे ऐसे स्टैचू का निर्माण कर रहा है, जिससे देश के में ज़्यादा से ज़्यादा दार्शनिक लोग आ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलन विदेशियों का, समस्त देशों के लोग आए भारत में, इससे टूरिज़म भारत का बढ़ेगा, इस चीज़ों के चलते रोजगार के बहुत सारे ऐसे हैं आस पास के लोग। अभी लाइन 3 से 4 स्टैचू हैं, बिहार में बड़ा स्टैचू बनाया गया है, भगवान नाम के ऊपर भगवान श्री राम का स्टैचू जल्दी ही बनेगा। ये सरदार पटेल का संग्रहालय बनाया है, यहाँ पर सरदार पटेल से जुड़े दस्तावेज दिखाई गए थे आपको, जो कि आपको उस पलों की याद दिलाते हैं कि सब सरदार पटेल जो स्वरूप और व्यक्तित्व का विकास करके देश को एकीकृत कर रहे थे। हैदराबाद के निजाम ने भारत से हैदराबाद को अलग करने की चेतावनी दे रखी थी, और इस बात को जरा सी बारीकी के मतलब कमजोरी में कमजोर तरीके से न डील करके सरदार पटेल ने सारी भागदौड़ अपने हाथों में ले ली और पूरे देश को एकीकृत कर दिया। हैदराबाद के निजाम को
दो तीन दिन के लड़ाई झगड़े में ध्वस्त करके पूरा हिंदुस्तान एकीकृत किया, और उसी की महानता के चलते हमारा देश खंड खंड राज्यों में विघटित होने से बच गया और हमारा पूरा देश भारत राष्ट्र के नायक भी। इसलिए तैयार हो गया, क्योंकि अगर हमारी सरकार बड़े नहीं होती तो देश का खंड खंड होना बहुत ही दुर्भाग्य हो जाता। सरदार पटेल के प्रयासों से ही भारत को हुए कई खंड हुए हैं, लेकिन और खंडों से बचाया गया। सरदार पटेल अगर पहले से भूमिका को सही तरीके से समझते भारत में तो अब अफगानिस्तान अलग होता, ना तो पाकिस्तान अलग होता, ना तो बांग्लादेश अलग होता। और बाहर भारत का कश्मीर अलग होता, लेकिन देश में राजनीति का स्तर इतना ज़्यादा रहा कि जो महान शख्सियत थे जिनके पास बड़ा कद, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए,